बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على النبي أمي العربي القرشي المقي المدني الأبتهية التهامي السيد البحي السراج المزي القوقب الدري صاحب الوقار والسقينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد हबीब इलाहिल आलमीन व खातमिन नबीयीन व सैयदिल मुरसलीन व शफीयल मुज़नबीन व रहमतल्लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन सुम्मत सलातु व सलामु अलल इमामिल हक बिलहक फिलहक मालहक मिनलहक इलहक अलहक वलानतुल्लाह अला आदाएहिम व गासिब हकूकहिम व मुनकर फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम व विलायतहिम अजमईन अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनु बिरसूलिही सलावात खालिक कायनात इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का जल ज़हूर फरमाए और हमें अपने आका और मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें मौला के लश्कर का एक सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस वक्त इस इबादत को कबूल फरमाए और खालिक कायनात मरहूम मग़फ़ूर जिन के ईसाल सवाब के लिए एहतमाम किया गया है खालिक कायनात उस मरहूम मग़फ़ूर को जवार मासूमीन में बुलंद मरतबा फरमाए और खालिक कायनात आम मोमिनीन का इस मुकद्दस मकाम पर तशरीफ़ लाना इबादत में शुमार फरमाए इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सलामती और ज़ुहूर के लिए सब हज़रात मिलकर बावाज़े बुलंद सलावात पढ़े मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन वाजिबुल कद्र भाइयों बुज़ुर्गों अज़ीज़ों मैंने आपके सामने कलाम मजीद से एक आयत तिलावत की है जो मैंने आयत तिलावत की है इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनु बिरसूलिही ऐ ईमान लाने वालों तकवा इख्तियार करो और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ इसी पे मैंने गुफ्तगू करनी है। याद रखिएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है और अली मुर्तज़ा को मानने के लिए हलाल ज़्यादा होना ज़रूरी है और सैयदा को मानने के लिए सच्चा होना ज़रूरी है और हसन को मानने के लिए अमन पसंद होना ज़रूरी है और हुसैन को मानने के लिए गैरतमंद होना ज़रूरी है। या अली मिल के कहा करें शायद काज़मी साहब ने कहा ये याद रखिएगा जुमला कह देता हूँ मार्फत का जुमला कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है वुजू करने से शक्ल पाक होती है अली अली करने से नस्ल पाक होती है। तो अल्लामा आगा इमरान साहब साल के बाद ज्यारत हुई है आपकी हैं एक ही उस्ताद के हम शागिर्द हैं मैंने कहा अगर जो जुमला मैंने कहा कि अगर जो मोहम्मद को मुस्तफ़ा नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं है जो अली को नहीं मानेगा वो हलाल ज़्यादा नहीं है हालांकि ये हदीस है
कि ला युहिब्बुका इल्ला हलालियन वला युबगिज़ुका इल्ला हरामियन, कि अली की विलायत हमेशा हलाल खून बर्दाश्त कर सकता है, ये मशकूक शजरों का काम नहीं है। ये मैंने पढ़ दी, इस वजह से हदीस पढ़ी ताकि आप परेशान ना हो। जो मोहम्मद को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, जो अली को नहीं मानता वो हलाल ज्यादा नहीं है, जो सैयदा को नहीं मानता वो सच्चा नहीं है, जो हसन को नहीं मानता वो अमन पसंद नहीं है, जो हुसैन को नहीं मानता वो गैरतमंद नहीं है। बस आपकी तवज्जो हो गई है। अब आयत की तरफ आता हूँ जो मैंने आयत तिलावत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमनु बिरसूलिही, ऐ ईमान लाने वालों तकवा इख्तियार करो और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ। अल्लाह फरमा रहा है जन बुलंदियों के साथ, जस नूरानियत के साथ मैंने अपने हबीब को भेजा है, तुम उसको वैसा मानो। अगर तुम अल्लाह की चाहत के मुताबिक मेरे रसूल पर ईमान ले आओगे, मैं बदले में इनाम में तुम्हें तीन चीजें दूंगा। इसी पे शायद काजमी साहब गुफ्तगू है जो मैंने आयत पढ़ी। अल्लाह ने कहा जो मेरे मुस्तफा पर ईमान ले आएगा बदले में तीन चीजें दूंगा। पहला इनाम दूंगा युतकम किफलैन मिन रहमतेही, मैं इनाम में तुम्हें रहमत के दो टुकड़े दूंगा। वो आगे जाके बताऊंगा ना। अल्लाह ने कहा जो मुस्तफा पर ईमान ले आएगा तीन चीजें दूंगा। पहला इनाम युतकम किफलैन मिन रहमतेही, मैं इनाम में तुम्हें रहमत के दो टुकड़े दूंगा। वयजअल्लकुम नूरन तमशून बिह, और एक नूर करार दे दूंगा जिसकी रोशनी में तुम दुनिया और आखरत में चलते फिरते नजर आओगे। यकफल्लकुम, मैं अल्लाह तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारी लग्जशों से दरगुजर कर दूंगा, और मैं अल्लाह रहमान और रहीम हूं। हमारा यह बुनियादी अकीदा है कि खुदावंद आलम के बाद बुजुर्ग बरतर हस्ती सरकार दो आलम ही हैं। हमें अगर किसी से प्यार है, हमें अगर किसी से लगाव है, तो वह हजूर की निस्बत से है। जिसका हजूर से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा भी उससे कोई ताल्लुक नहीं। जितने भी ममालिक मुसलमान हैं उनमें रहने वाले हमारे भाई हैं, हमें उनसे इसलिए प्यार है कि वह हजूर की उम्मत से है, निस्बत रसूल से है। कुरान मजीद को अल्लाह की किताब इसीलिए मानते हैं क्योंकि हजूर पर नाजिल होने वाली किताब है। सहाबे कराम के लिए हमारे दिल में इसलिए मोहब्बत और प्यार है क्योंकि हजूर के सहाब हैं। अजवाज रसूल को इसलिए अपनी माए समझते हैं क्योंकि हजूर के अजवाज हैं। और अहले बैत के लिए इसलिए जान देती हैं क्योंकि वह हजूर के अहले बैत हैं। सरकार दो आलम मस्जिद नबी में खिताब फरमा रहे थे। तवज्जो है कि नहीं? ये मैं कुरान से आले मोहम्मद की अजमत साबित करने लगा हूं। सरकार दो आलम मस्जिद नबी में खिताब फरमा रहे थे, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम असहाबी कन नजूम के मानिंद हजूर के इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है। आफ्ताब रिसालत उफक मिंबर पर चमक रहा था, आब वही की धुली जुबान से खुतबा फैज चल रहा था, हवाएं रुक रुक के सुन रही थी, सितारे जुग जुग के देख रहे थे, अरवाह अंबिया समेट के करीब आ गई थी, ईसा देख रहे हैं, याकूब सकते में खड़े हुए हैं, कायनात की तवज्जो सिमट कर मस्जिद के मिंबर पर मरकूज हो चुकी थी। खुतबा देते देते अचानक हजूर खामोश हो गए। सुनने वालों ने सोचना शुरू किया कि वही इलाही के बगैर कलाम न करने वाली जुबान क्यों खामोश हो गई। अब चेहरे मुबारक को जो देखा, चेहरे मुबारक हजूर का मस्जिद नबी की तरफ मरकूज था, दरवाजे की तरफ सरकार की निगाहें थी। तवज्जो, बकौल साहिब जनाब अल मुवद्दत इस वाक्य को बयान करते हुए फरमाते कि वो शहजादा जो कभी आगोश रसूल में मचलता था, कभी दोशे रसूल पे खेलता था, वो फातिमा कलाल मासूम कदम उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंच रहा है। बकौल साहब किताब के, अचानक इस बच्चे का कदम अबा के दामन से उलझ गया और करीब था कि बच्चा जमीन पर आता। कल बरकल खातिफ बिजली की चमक की तरह पैगंबर अकरम मिंबर से उतरे और गिरने से पहले हुसैन इब्ने अली को आगोश में लिया। चूमते हुए, सीने से लगाते हुए उस शहजादे को मिंबर पर ले गए। अब खुतबा फैज यहां से शुरू किया, फरमाया मेरे सहाबियों,
हाजा हुसैन फआरिफू हो, लो ये हुसैन है इसे अच्छी तरह पहचानो। वफज़लू हो इसे पहचानो ही नहीं इसकी फजीलत का एहतराम करो। वंसरू हो जिंदगी के किसी मोड़ पर इस हुसैन को मदद की जरूरत पड़े तो तुम पर लाजिम है इस हुसैन की मदद करो। यह हुसैन की नुसरत है। अपने घरों को छोड़कर इमाम बारगाह की जीनत बने हुए यह हुसैन की नुसरत है। लोगों ने तो यह कह दिया है कि हमने आजादारी को जिंदा रखा हुआ है, ये झूठ बोलते हैं कि हमने आजादारी को जिंदा रखा हुआ है, नहीं आजादारी ने हमें जिंदा रखा हुआ है। लोग कहते हैं हमने अली वलीउल्लाह को जिंदा रखा हुआ है, नहीं अली वलीउल्लाह ने हमें जिंदा रखा हुआ है। यह हुसैन की नुसरत है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया इसलिए क्योंकि जद्दहु फिल जन्ना, इस हुसैन का दादा जन्नती है। जद्दतु फिल जन्ना, इस हुसैन की दादी जन्नती है। अम्महु फिल जन्ना, इस हुसैन का चचा जन्नती है। अम्मतु फिल जन्ना, इस हुसैन की फुफी जन्नती है। रसूल फरमा रहे हैं अबू फिल जन्ना, इस हुसैन का बाप जन्नती है। अम्महु फिल जन्ना, इस हुसैन की माँ जन्नती है। अखुहु फिल जन्ना, इस हुसैन का भाई जन्नती है। अख्तहु फिल जन्ना, इस हुसैन की बहन जन्नती है। अब रसूल फरमाते औलादहु फिल जन्ना, इस हुसैन की सारी औलाद जन्नती है। अब रसूल फरमाते अना जद्दतु फिल जन्ना, मैं इस हुसैन का नाना जन्नती हूँ। जद्दतु फिल जन्ना, इस हुसैन की नानी जन्नती है। वह मुहिब्बु फिल जन्ना, इस हुसैन का चाहने वाला जन्नती है। वह मुहिब्बु मुहिब्बु फिल जन्ना, इस हुसैन के चाहने वालों का चाहने वाला वो भी जन्नती है। मैंने अल्लामा आगा इमरान अब्बास से पूछा, मैंने कहा क्या पढ़ूं? उन्हें कहा या मैं इमाम हुसैन के फजाइल सुना दें, तो इनके जुमले से मैंने पकड़ कर वही आयत तिलावत की है। सलवात पढ़ ले बाबा जिबुल। नहीं नहीं, ये सलवात नहीं पढ़ी जाती, हवेली मुरीशा में बैठे सुन ले। मेरी छठे माँ फरमाती हैं जो बंदा मेरी जद पर बाबा से बुलंद दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके दिल से मुनाफकत को निकाल देता है। क्या फरमाया? वह मुहिब्बा मुहिब्बहु फिल जन्ना, इस हुसैन के चाहने वालों का चाहने वाला वो भी जन्नती है। क्यों? इसलिए इस्मी रहमतुन फिल कुरान, देखो कुरान में मेरा ही नाम रहमत है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर आपकी तवज्जो थी है तो आप लफ्ज की कद्र करेंगे। अब जो जुमला कहने वाला हूं, आयत में मैंने तकरीर पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया जो मेरे मुस्तफा पर ईमान ले आएगा बदले में तीन चीजें दूंगा। पहला इनाम था यौतकम किफलैन मिन रहमत ही, मैं इनाम में तुम्हें रहमत के दो टुकड़े दूंगा। अब रहमत के दो टुकड़े कौन है? जिनके बारे में रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन किफला, या हसन और हुसैन मेरे ही दो टुकड़े हैं। देखें हसनैन भाई ने नारा लगाया या अली, नहीं कह रहे, मैं सुना देता हूं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद गुजर रहे थे बाजार से, मरवान का भी गुजर हुआ, उसने देखा इतना खूबसूरत बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, करीब गया, उसके उससे पूछा बच्चा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? क्या मेरा नाम अली है, लोग मुझे सज्जाद कहते हैं। नहीं, अपना मेयार समाज को बुलंद करें। कहा किसके बेटे हो? कहा हुसैन इब्ने अली। कहा तेरा कोई भाई है, उसका क्या नाम है? कहा उसका नाम भी अली है, यानी अली अकबर। कहा तेरे दादा का नाम क्या है? फरमाया उसका नाम भी अली है। कहा तेरा कोई और भाई है? कहा अभी दुनिया में आए, उसका नाम भी अली है, अली असगर। मरवान तप गया, कहने लगा तेरे बाप को अली के अलावा कोई और नाम पसंद नहीं आया? खैर मरवान चला गया,
इमाम सज्जाद घर तशरीफ लाए। मौला ने कहा, बाबा आज बाजार में मरवान मिला था। कहा, अच्छा बेटा फिर क्या हुआ? कहा, उसने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा अली। कहा, किसके बेटे हो? कहा, हुसैन इब्न अली। कहा, तेरे दादा का नाम क्या है? मैंने कहा अली। कहा, तेरा कोई और भाई है? उसका क्या नाम है? मैंने कहा अली। कहा, कोई और भी है? मैंने कहा, अभी दुनिया में आया, उसका नाम भी अली है। फिर क्या? कहा, बाबा मरवान तप गया, कहने लगा तेरे बाप को अली के अलावा कोई और नाम पसंद नहीं आया। कहा, अच्छा। कहा, सज्जाद बेटा याद रखना, अब अगर कहीं तुम्हें मरवान मिल जाए उसे कहना कि मेरे बाबा ने कहा था कि अगर अल्लाह मुझे 100 फर्जंद अता करता तो मैं सबका नाम अली रखता। या अली, ऐसी अजीम नेमत है। 70 मरतबा अली को देखकर सरकारे दो आलम कहते थे, या अली या अली या अली, नारे हैदरी। या अली से पता चलता है ना, मैंने एक हदीस भी पढ़ी है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा, या अली ला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा, या अली हुब्बुका ईमानुन व या अली बुग़्ज़ुका निफ़ाकुन। ऐसी हदीसें पढ़े तो लोग तप जाते हैं। सलवात पढ़ ले बाबा आज़िब, सल्ले अला मुहम्मद व आलिह। हुसैन की अज़मत सुना रहा हूँ। अल हसन वल हुसैन किफ़लाया, हसन और हुसैन मेरे ही दो टुकड़े हैं, नस्फी अल हसन व नस्फी अल हुसैन, मेरा आधा टुकड़ा हसन है और आधा टुकड़ा हुसैन है, मुझे दो हिस्सों में तकसीम कर दो तो हसन और हुसैन है, और हुसैन को मिलाकर एक कर दो तो मैं मोहम्मद हूँ। वह अम्मल हसन वाला हो इल्मी वजूदी, मेरा हसन जो टुकड़ा है उसको अल्लाह ने मेरा इल्म और मेरी सखावत दी। वह अम्मल हुसैन वाला हो जुरती व सौदा दी, मेरे हुसैन को मेरी जुर्रत और सरदारी दी। तमाम अवालिम के लिए जिसे खुदा ने रहमत बनाकर भेजा, उसी के दो ही टुकड़े हैं, हसन और हुसैन। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह अर्रहमत माहिया, रहमत किसे कहते हैं? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ये माना लिखते हैं, अर्रहमत है हल्लुल मुश्किलात व नजाहुल हाजात, रहमत का मतलब है मुश्किलात का हल हो जाना और हाजतों का पूरा हो जाना। और जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में रहमत बयान फरमाया वह मुश्किल कुशा भी होगा और हाजत रवा भी होगा। देखे अजमेरी का मशहूर कलाम है, जिसे सदियां गुजर गई मगर उसमें कोहनगी नहीं आई। वरना किसी शायर का कलाम एक दफा सुनेंगे, दो दफा सुनेंगे, तीन दफा सुनेंगे, उसमें इतनी लज्जत नहीं रहेगी जो पहले सुनने में होती है। कलाम की यह खूबी या कलाम मजीद में है या फिर हदीस मुबारक में है, बार बार पढ़ते जाए लुत्फ बढ़ता जाएगा। या फिर ये रुबाई है, सदियों से इजाफा होता जा रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर की, कि शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीन पनास्तो हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्ते यदीद, हक्काओ के बिना लाओ इलाह अस्तो हुसैन। अजमेरी ने खुदा की कसम फरमान पैगंबर और कलाम इलाही को सामने रखकर फरमाया था, शाह अस्तो हुसैन, शाह भी हुसैन है। ये कहने के बाद उनका दिल मुतमैन न हुआ, जमीर ने कहा जो कुछ कहना चाहता हूं अभी हकदा नहीं हुआ। फिर फौरन कहा, बादशाह अस्तो हुसैन, बादशाह भी हुसैन है। जमीर ने फिर आवाज दी तो कहा, दीन अस्तो हुसैन। ये भी अजमेरी कह सकते थे कि दीन परस्त हुसैन, बल्कि कहा दीन पना अस्तो हुसैन। जब लफ्ज शाह इस्तेमाल किया जाता है ना तो उसके मानी होते यूनिवर्सल हीरो। अब जहां जहां तक कायनात है उसका हीरो है हुसैन, जिसको पूरी यूनिवर्सल पर इख्तियार हो उसे हुसैन कहते हैं। एक वाक्य मिलता है तारीख तिबरी में, अल्लामा इमरान साहब हमारे भाई अली सुन्नत की किताब है, कि एक मरतबा सरकारे दो आलम अपनी बेटी सैयदा के घर तशरीफ लाए, सल्ले अला मुहम्मद व आलिह, पूछा बेटी मेरे बेटे कहाँ हैं, यानी नवासे हसन हुसैन। कहा, बाबा जान थोड़ी देर हो गई, घर से बाहर गए हैं।
यहां पर अबू हुरैरा रिवायत करता है, जब सरकारे दो आलम को नवासे नजर ना आए तो सरकारे दो आलम परेशान हो गए। अब अबू हुरैरा रिवायत करता है कि सरकारे दो आलम आगे आगे चलते गए, मैं उनके पीछे पीछे चलता गया। सरकारे दो आलम एक बाग में आए, देखा कि शहजादे सो रहे थे। हजूर ने उन दोनों शहजादों को जगाया, जुमला जाय ना जाए। इमाम हसन को जगाकर दाएं कंधे पे बिठा दिया, इमाम हुसैन को जगाकर बाएं कंधे पे बिठा दिया। अबू हुरैरा अर्ज करता, या रसूलल्लाह एक तो मुझे दो। कहा नहीं देता। अर्ज करता, या रसूलल्लाह अगर नवासे नहीं देते तो जो उनकी जूतियां हैं वो हमें दे दो। हजूर ने फरमाया, क्या करोगे इन जूतियों को? अर्ज करते, या रसूलल्लाह अगर मैंने इन शहजादों की जूती उठा ली तो मैं कायनात से अफजल बन जाऊंगा। तवज्जो, इतना बड़ा सहाबी, 5000 से ज्यादा जिसकी हदीसें हैं, वो कहता है अगर मैं हसनैन की जूती उठा ली तो मैं कायनात से अफजल बन जाऊंगा। पता चला कि यह हुसैन की जूती के बराबर भी नहीं था, और जब असहाबी हसनैन के जूतों जैसे ना हो सके तो अली जैसे कैसे हो सके। देखें, शायद काजमी साहब, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ, शायद काजमी साहब अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, सियत की बादशाही, मरना तो है ना, मर जाएंगे, हो सकता है पहले मैं चला जाऊँ बाद में आप चले जाएं, ये है। लेकिन ये मशहूर हैं अली हक की वजह से, 25 साल से मैं देख रहा हूँ ना, वो कहेंगे वो बाबा था वो जो अली हक का नारा कहता था। तो शायद काजमी साहब ने जो अली हक का नारा कहा यह अपनी तरफ से नहीं कहा, अपनी तरफ से नहीं कहा, जो कुरान की आयत के तहत कहा है। हालांकि मैंने इन गुनहगार आंखों से खुद पढ़ा है, तिर्मिज़ी शरीफ की यह हदीस है कि सरकारे दो आलम ने अपनी जिंदगी में कहा था, ऐ मेरे सहाबियों अगर पूरी कायनात एक मसला में रुक जाए और कहे जो कुछ हम कह रहे हैं वो ठीक है, और मेरा भाई अली कह दे पूरी कायनात गलत कह रही है, जो कुछ मैं अली कह रहा हूँ वो ठीक है, ऐ मेरे सहाबियों पूरी कायनात को छोड़ देना, फलज़मु अली इब्ने अबी तालिब। बाबूजी सलाम हो गया जनाब, इसी तरह मुस्कराते रहे जनाब। जनाब ये मुस्कराना भी इबादत है, यानी अली के जिक्र पे जो है ना, ये है। याद रखिएगा, अकीदे पे कभी कंप्रोमाइज ना करना। तो मैंने कहा फलज़मु अली इब्ने अबी तालिब, अली के दामन को ना छोड़ना। क्यों? अल हक मा अली व अलियु मा अल हक, हक है अली के साथ, अली है हक के साथ। ये नहीं कहा, फिर कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसो मादार अली, ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे जहां अली चला जाए। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान है अली के साथ, अली है कुरान के साथ। इसीलिए कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी हादी, अली भी हादी, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी नाजिल हुआ, अली भी काबे में नाजिल हुआ, कुरान में सूरह कौसर अली साके कौसर, कुरान में सूरह आल इमरान अली हजरत फरजंद इमरान, कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद अली अल्लाह की वहदानियत की सनद। कुरान की तरफ नजर करना इबादत, अली के चेहरे की तरफ नजर करना इबादत। जो कुरान को छोड़े वो भी काफिर, जो अली को छोड़े वो भी काफिर। अरे कुरान का जिक्र तिलावत है, अली का जिक्र इबादत है। इसी तरह जी जरूर लगवाएं, जरूर जरूर।
खुदा की कसम, जिस जमाने में आप नारे लगवा रहे हैं उस सरकारे दो आलम के जमाने में अबू जर भी था, जिसके बारे में रसूल ने फरमाया था आसमान ने साया नहीं किया, जमीन ने बोझ नहीं उठाया, जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो अंसारी था। क्या करता था? सुबह की नमाज पढ़कर एक एक अंसारी की जंजीरें दर हिला हिला के कुंडी पीट पीट के ऐलान करता था, या माशर अल अंसार अदबू औलादकुम माला हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब। ऐ गिरोह अंसार, अपनी औलादों को आजमाओ अली की मोहब्बत के जरिए, जो उसका इनकार करे उसके माँ के किरदार की तफ्तीश कर लिया करो। हाँ बिल्कुल, या माशर अल अंसार अदबू औलादकुम अला हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब, अपनी औलादों को आजमाओ अली की मोहब्बत के जरिए, जो उसका इनकार करे उसके किरदार की तफ्तीश कर लिया करो। नहीं सुने पूरा, शेख सद्दूक ने अपनी किताब अमाली में और अल्लामा बाकर बहबानी ने अपनी किताब दमत साकिबा में और अहले सुन्नत की किताब जनाब अल मुवद्दत में है। उसके बाद ये अंसारी अपने उन दूध पीते बच्चों को लेकर उन गुजरगाहों में आ जाते जहां से शौहरे बतूल ने गुजरना होता था, जहां से दामाद रसूल ने गुजरना होता था, जहां से सरताज हलअता ने गुजरना होता था, जहां से शाह इन्नमा ने गुजरना होता था, जहां से या अय्युहर रसूलो बल्लग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक वा इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसमुक मिनन्नास के मिस्ताक ने गुजरना होता था, जहां से अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वा अतममतु अलैकुम नेमती वा रज़ितु लकुम अल इस्लाम दीन के मिस्ताक ने गुजरना होता था, जहां से यौमा नद्दु कुल्ला उनासिम बे इमामहिम के मिस्ताक ने गुजरना होता था, जहां से वकुल्ला शैन आसाय ना हो फी इमाम मुबीन के मिस्ताक ने गुजरना होता था, अपने बच्चे का रुख उस तरफ करते जहां से चेहरा वजहुल्लाह ने गुजरना होता था, पूरा का पूरा नफ्सुल्लाह ने गुजरना होता था, अपने बच्चे का रुख उस तरफ करके कहते बच्चे मैं यमरू ये गुजरने वाली हस्ती कौन है, अगर बच्चा बता देता तो बच्चे का माथा चूम के उसकी माँ को मुबारक देते, अगर बच्चा ना बता सकता तो बच्चे को वहीं फेंक कर घर आकर उसकी माँ को तलाक देकर कहते निकल जा घर से, हरामी जना है अली वली को नहीं भेजा सका। सलामत रहे अकील नकवी साहब। बाबा अलमदार सुन आखिरी बात ये याद रखिएगा, कभी अकीदे पे कंप्रोमाइज ना करना। लोग लाइफ जा रही है कहती है ना कि दीन से खारिज हमें कर देती हैं कि बेनमाज हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज का जो मुनकर है वो काफिर है याद रखिएगा। हाँ नमाज पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, नमाज की तरवीज करनी चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक अकीदे से भी है। अगर अकीदा ठीक है तो नमाज है, अकीदा नहीं है तो फिर नमाज नहीं है। टाइम बड़ा मुख्तसर है। यही अबू जर, यही अबू जर, एक जुमला बात बयान खत्म हो गया। अल्लामा आगा इमरान साहब मौला आपको सलामत रखे, खिदमत कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, इसी तरह करते रहें। अबू जर मौला बैठे हैं अपने सहाबा में, सुनना और समझना और घर जाके तजिया करना। मौला ने ठंडी सांस लेकर कहा अबू जर हमारा सच्चा मोमिन था। जब कोई बड़ा कहे ना, अगर यहाँ सादात बिरादरी का कोई बड़ा आदमी आज एक ख़ास बात करे तो सारे मुतवज्जे होंगे कि ख़ानदान के बुजुर्ग कोई ख़ास बात करना चाहते हैं। जब मौला अली ने कहा अबू जर हमारा सच्चा मोमिन था, इंतकाल हो गया था, साहबा ने पूछा मौला अबू जर की याद आ गई, याद आ रही? फरमाया हाँ मौला, मैं भी तो बताइए, बस मुख्तसर कर रहा हूँ, अजान का टाइम करीब है। मौला ने कहा अबू जर की याद आ रही है, कहा हमें भी तो बताएं कोई ख़ास बात है जिसको आप याद करें।
मौला ने कहा अबू जर घर में सोया हुआ था, रात के लम्हे किसी बादशाह के नुमाइंदे आए, दक्कुल बाब किया, अबू जर बाहर आया। कहा अबू जर रात का लम्हा है, जाके बैयत कर ले, ये सोने की अशरफिया ले ले। अबू जर जलाल में आ गए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, जलाल में आ गए। अबू जर ने कहा खबरदार, तुमने दो किस्म की मेरी तौहीन की है। पहली तौहीन तुमने मेरी यह की है कि तुमने मुझे अली फरोज समझा है। क्या सुन रहे हैं आप शहीद काज़मी साहब, अली फरोज समझा है। और दूसरी तौहीन यह की है कि चंद अशरफियों के बदले मैं अली को बेच दूं। अल्लाह अकबर। अबू जर ने कसम खाई, अल्लाह अकबर, अबू जर ने कसम खाई, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ अबू जर की जान है, अगर कायनात की सारी दौलत मेरे कदमों पे रख देते तब भी मैं अली का एक बाल न बेचता। और वहां वहां पर सहाबा में अल्लाह अकबर, अली ने कसम खाई, आंसू जारी हो गए, फरमाए मेरे सहाबिया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ अली की जान है, जिस शब को किसी बादशाह के नुमाइंदे सोने के अशरफिया लेके गए हुए थे, तीन दिन से अबू जर के बच्चे भूखे सोए हुए थे। यह है मार्फत, यह है अकीदा। कभी कंप्रोमाइज न करना, उस महफिल से उठ जाना। आजाद आरे हुसैन विलायत अली के दिफा के बारे में कभी समझौता ना करना। हमारा कसूर क्या है, किसी का माल खाया है, सिर्फ विलायत की वजह से ही गालियां देते हैं हमें, मौला को भी देते थे। बहरहाल अजान मिल गई, टाइम होता तो आपके दीन का छोटा सा खादिम हूं, आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे लिए बायस इज्जत की बात है। बस एक जुमला मजलिस की तकमील के लिए पढ़ना चाहता हूँ, अजान का टाइम करीब है। हुसैन जैसा भाई मारा गया, करबला से लेकर शाम तक जाते हुए किसी ने हाय हुसैन कह के रोने नहीं दिया। अजरकुम अल्लाह, मौला आपको इस गम के सिवा और किसी गम में न रुलाए। मैंने क्या जुमला कहा, हुसैन जैसा भाई मारा गया, करबला से लेकर शाम तक जाते हुए किसी ने हाय हुसैन कह के रोने नहीं दिया। करबला से शाम तक जब भी बीबी को भाई की याद सताती थी, पहले तो बीबी कहती थी मुसाफिर मारा गया, जब भाई की याद बेचैन करती, नजरत जमीनन व शिमालन, बीबी दाएं बाएं देखती कोई सिपाही तो नहीं देख रहा। जब बीबी देखती कि सिपाही गाफिल है ना, तो बीबी हाथ से जमीन को साफ करती। फकान तक तो वो अलल अर्ज इस्म अखीहा, बीबी अपने भाई का नाम लिखती, ऊपर मुंह रख देती और कहती थी भैया क्या करूं, नाम तो बहुत प्यारा है, जालिम लेने नहीं देते। अजरकुम अल्लाह, मौला आप इस गम के सिवा और किसी गम में न रुलाए। बस माहौल बन गया है, अगर मसाइब में दो चार मिनट लेट भी हो जाए तो मुझे माफ कर देना। अजादारा ने मरकज में बैठे हैं, हवेली मुरीद शाह में बैठे हैं, एक लम्हे के लिए बैठे बैठे आप अपनी आंखों को बंद करें, चश्मे तसव्वुर से देखें, अपनी समात करवेश इदराक के सुपर्द करें, तो तुम्हें जंगलों में आज भी अली की बेटियों के बयान सुनाई देंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला आपको इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। बस माहौल बन गया, एक जुमला पढ़ना है। इब्ने ज़ियाद का दरबार है, मुख्तसर करूं, इब्ने ज़ियाद का दरबार है, सामने हाथों में हथकड़ियां, पाओं में बेड़ियां, गले में तौक, बीमारे करबला मौला के बदन पे है, मिसले मलून के सामने है, सर उठा के कहते काश आज अगर कोई अली का शिया मिलता, वो मेरे दरबार में होता, अपने इमाम की घर की बर्बादी को देखता, वो रोता चीखता चिल्लाता, मेरी खुशी दुबाला हो जाती। एक कुर्सी से एक मलून उठा कहने लगा इब्ने ज़ियाद तू एक शिया तलाश कर रहा है, लाखों शियों पे हावी शिया तेरी कैद में है, कौन मुख्तार सकफी, तारीख के लफ्ज यही हैं,
कि इस कमीने ने कहा इसका मुंह मोतियों से भर दो और मुख्तार को दरबार में ले आओ। वज़ादारा ने इमाम मज़लूम मुझे माफ कर देना, पढ़ने की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसे ही अली की बेटी सैयदा ज़ैनब खड़ी थी, कहने लगी अम्मा फिजा दुआ मांग जमीन फट जाए, मैं जिंदा अंदर चली जाऊं। फिजा हैरान होकर कहते बीबी हुसैन के गले खंजर दे के ये दुआ नहीं मांगी, अली अकबर के सीने में बर्ची दे के ये दुआ नहीं मांगी, इस वक्त दुआ क्यों मांग रही हो? कहा तुमने सुना नहीं दरबार में भाई मुख्तार आ रहा है? अगर इसे पता चल गया कि दरबार में मैं खड़ी हूं, मैं तो मरने से पहले मर जाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। ये मलून कहते बहुत खुश हूं, मुंह मांगे इनाम पा रहे थे। मुख्तार ने हकारत से देखा, भिखारियों से अली के भिखारी क्या मांगे, मैंने तुझसे क्या लेना है? हाँ अगर कुछ देना ही है, मैंने जिंदान में उड़ती उड़ती खबरें सुने हैं, आजकल मेरा सरदार करबला आया हुआ है, हुसैन के डेरे करबला में है, मैं रिहाई नहीं चाहता, मुझे पहरे में करबला तक इजाजत दे दे, हुसैन के कदम चूम के आ जाऊंगा। ये मलून कहता है अगर दरबार में हुसैन मिला दूं। तड़प के मुख्तार ने एक कुर्सी पर नजर डाली, कहा मलून मेरे हाथ आजाद होते मैं तुझे बताता कि मजाक कैसे करते हैं। आजादारा ने इमाम मज़लूम मुझे भगवान माफ कर देना। इसने इशारा किया, एक तश्त नजर आया जिसमें एक सर रखा हुआ है, खाक खून में लुथड़ा हुआ। गौर से देख के कहते हैं नक्शो निगार देखे हुए हैं लेकिन पहचानने में नहीं आ रहा, यकीनन तो जैसे मलून के दरबार में कोई मजलूम होगा और मजलूम मरा नहीं करते। करीब आया, जानू के बल झुका और कहते या अय्युहल कतील फी सबीलिल्लाह मन अंता, आए कुश्ता आए खुदा मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है? खुश्क लबिले मुख्तार तू आज मुझे क्या पहचानेगा, ये तो ईद का दिन होता, नाने के कंधे होते, जुल्फे रिसालत की महारे होती। जब पता चला कि हुसैन है, सिपाही से तलवार खींची, हमले का इरादा किया, किसी ने दामन अबा झटक के कहा चाचा मुख्तार जंग नहीं करनी, इस जंग ने मेरे अकबर जैसे जवान निकल लिए, इस जंग ने मेरे कासिम जैसे दुल्हन निकल लिए। तड़प के कहते कौन है मुझे चाचा मुख्तार कहने वाला, कहा चाचा मुझे पहचाना नहीं मैं सज्जाद। मुख्तार ने जमीन पे सर मारा, मैं अंधा हो जाऊं, सज्जाद के हाथों में हथकड़िया, कहा चाचा मैं अकेला तो नहीं, हाजही ज़ैनब वहाजही उम्मे कुलसूम, चचा रसूल की बेटियां मेरे साथ कहते हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون رب زدني علما والحقني بالصالحين। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत का वास्ता, पालने वाले बिलखसूस इस मजलिस का सवाब, हदियतन पेश करते मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत में, वहाँ से जो सवाब मिले मरहूम मकफूर पालने वाले सैयद अली जाफर नकवी की रूह पर फतोह के इसका सवाब इरसाल, पालने वाले मरहूम की कब्र पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमाओ।